नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, हमारी 3 दिन की क्लास हो चुकी है, सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है हमारी। हमारी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 3 दिन की क्लास हमारी हो चुकी है, 3 दिन की क्लास यहाँ पे चल रही है, 3 दिन का सॉफ्टवेयर की क्लास। हार्डवेयर की क्लास इनकी कंप्लीट हो चुकी है, अब ये चल रही है हमारी दोस्तों सॉफ्टवेयर की क्लास है। तो पहले दिन की क्लास में आपने क्या सीखा? पहले दिन की क्लास किसकी थी? मीडियाटेक। किसकी थी? दूसरी दिन की क्लास कॉलकॉम की थी। आज तीसरी दिन की क्लास है दोस्तों, तो तीसरी दिन की क्लास किसकी है? एमआई का। एमआई में कौन सा सीपीयू होता है? तो किसी भी फोन को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है सर? हम सबसे पहले सीपीयू टाइप सर गूगल पे सर्च करेंगे मोबाइल के मॉडल नंबर के साथ, क्योंकि हमें कोई भी फोन आता है तो सबसे पहले हमें मतलब उस फोन का सीपीयू जानना होता है कि उस फोन में कौन सा सीपीयू। तो हमने पहले दिन की क्लास में कौन सा सीपीयू के बारे में जाना? मीडियाटेक के सीपीयू के बारे में। दूसरे दिन की क्लास में कौन सा जाना? दिन की क्लास में सर हमने कॉलकॉम के सीपीयू को जाना। और तीसरे दिन की क्लास में? तीसरे दिन एक्सएमआई बताया। एमआई की क्लास थी, तो एमआई में आप बताइए कौन सा सीपीयू होता है? कॉलकॉम सर। कॉलकॉम और मीडियाटेक भी आ रहा है, नए वाले फोन में मीडियाटेक भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हम बताते हैं, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं, इनसे इनको तो आप जानते ही होंगे, और ये मनोज हैं। मनोज, आपको आपने इनकी पहली वीडियो देख चुकी है कि इनकी एक बोलने का अलग, इनके समझाने का एक अलग अंदाज है, ठीक है। ये एक अपने लैंग्वेज में समझाते हैं कि उनको ही ट्रिक, जो भी ट्रिक है, आज आपको पूरा कॉलकॉम और एमआई का ये आपको हाईलाइट देंगे। क्या देंगे? कॉलकॉम और एमआई का वो हाईलाइट देंगे आपको कि इसमें कौन सा सीपीयू, कौन सा फाइल आती है, कौन सा टूल यूज होता है, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ी सी पूछ लेते हैं कि कौन सा सीपीयू, तो ये बताइए कॉलकॉम में कौन सी फाइल आती है? कॉलकॉम में आती है आपकी फाइल .mbn। .mbn फाइल आती है, ठीक है। और हम बात करें टूल कौन सा यूज होता है? टूल क्यूफिल और क्यूपीएसटी टूल यूज होता है। क्यूफिल या तो क्यूपीएसटी, वेरी गुड। और इसमें ड्राइवर कौन से यूज होते हैं? ड्राइवर आपका क्यूडी लोडर 9008। वेरी गुड। इसमें आपको तीन चीज कॉन्सेप्ट पता चल गया। आपको फाइल डाउनलोड कर लेंगे? जी सर। फाइल डाउनलोड कर लेंगे? जी सर। कौन कौन कर लेगा? अभी 3 दिन की क्लास हुई है, मीडियाटेक कॉलकॉम एमआई, तो कौन कौन सॉफ्टवेयर कर लेगा, हाथ उठाइए। सभी लोग कर लेंगे, मतलब एमआई कॉलकॉम और मीडियाटेक, इतना तो हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब आप उसको क्लियर कर लेंगे, एफआरपी हटा लेंगे, फ्लैशिंग कर लेंगे, वेरी गुड। अब इनसे बात करते हैं, अब इनको आपको दिखाएंगे हमने कौन सा टूल आपने बताया था कॉलकॉम में? क्यूफिल। तो क्यूफिल हमने रन कर लिया, उसके बारे में जान लिया है, उसके लिए एक बेस्ट टूल है। कॉलकॉम के लिए कौन सा टूल है? यूएमटी का क्यूसीफाई। उससे हम इसका हाईलाइट देंगे कि इसमें आप कहां से रीड राइट फ्लैश एफआरपी, और अमूमन आज एमआई की क्लास थी तो एमआई अकाउंट कहां से हटाते हैं, ये सारा चीज आज हमारे मनोज बताने वाले हैं कि कहां से क्या फ्लैश करना है, कहां से हमें एफआरपी हटानी है, पूरी डिटेलिंग ये अपने अंदाज में बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, हमारे स्टूडेंट मनोज, मैंने जैसा आपको बताया, मैं और ये आपको बताएंगे पूरे कॉलकॉम के बारे में, हाईलाइट देंगे आपको कि कॉलकॉम और एमआई में कैसे हम फ्लैश करते हैं, कैसे क्या रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे फ्लैश करना है, कैसे सही फाइल देनी है, और कैसे एफआरपी हटाना है, कैसे रीड इन्फो करना है, कैसे पैटर्न रीड करना है, ये सब हमें मनोज बताएंगे और अपने अलग अंदाज में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को एक जो हम लोग बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड टूल क्वांटम के लिए, वो उसका नाम है क्यूसीफायर, जो यूएमटी का आता है। तो क्यूसीफायर का लोगो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा डेस्कटॉप में, और फिर हम लोग आगे जाएंगे, इसको हम लोग खोलेंगे तो एक आप देखते आपको इस तरह का दिखेगा। हम लोग सबसे पहले प्रेस करेंगे, प्रेस करने के लिए हम लोग प्रेस पे क्लिक करेंगे, और इसको इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर हम लोग प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। इसमें आप कौन सी फाइल देते हैं? ड्रॉ प्रोग्राम की फाइल देते हैं। कितने फाइलें देनी होती है? प्रोग्राम का हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करिए फिर कहाँ जाना है? उसके बाद यहाँ पर जो आपको थ्री डॉट देखी है ना, इसका हम लोग क्लिक करेंगे, आपको ले जाएगा जहाँ हमारा लोकेशन है, जहाँ आपका पास, जहाँ पे आपने फाइल को सेव करके रखा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब हम लोग फ्लैश पर टिक करेंगे, फ्लैश पर टिक करने के बाद तो हमें ये बताइए कॉलकॉम किस मोड पे होता है, कौन से मोड में फ्लैश होगा, एमटी के कौन से मोड में फ्लैश होगा, फ्लैश मोड, और हमारा कॉलकॉम एमआई के फोन ईडीएल मोड जाने के लिए, एमआई के लिए क्या करना होता है?
सकते हैं, इस पे टिक करेंगे। तो इसमें आप बताइए, आप केवल कॉलकम कर सकते हैं कि एमआई के भी फोन कर सकते हैं? इसमें कॉलकम एमआई हम लोग सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि एमआई में भी किसका सीपीयू होता है। फिर नेक्स्ट आपने फ्लैशिंग का प्रोसेस बता दिया यहाँ पे, आप नेक्स्ट बताइए। अच्छा है, देख लो इधर रेड टूथ पे हम लोग क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा भाई थाली में, जैसे बहुत सारे खाना होते हैं ना, यहाँ भी बहुत सारा खाना है, जिसको जो लगा वो खा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रेड इन्फो में क्लिक करेंगे तो जान जाएंगे इसमें कौन सी फायर और मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। फिर हम लोग रेड फायर में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर उसका फॉर्मेट ले सकते हैं, स्टॉक रोम को हम लोग यहाँ आप बैकअप बना सकते हैं, फाइलों का क्या बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग पैटर्न को रीड कर सकते हैं, मतलब हमें ये बताइए कि आप सारे फोनों का कर सकते हैं कि कुछ फोनों का? सारे फोनों का अमूमन अगर जो कनेक्ट 6 पॉइंट के नीचे है, अगर वो ऊपर है तो रीड नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग FRP भी यहाँ से एक क्लिक पे हटा सकते हैं, कॉलकम की कॉलकम का सीपीयू जो भी है तो आप वन क्लिक में क्या हटा सकते हैं FRP। फिर अगर जो नए फोन है तो नए फोनों में एक मसला होता है कि नए फोनों में वो फॉर्मेट नहीं होते, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेट एफएस पे क्लिक करके वन क्लिक पे उसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब पहले आप फॉर्मेट करेंगे फिर आपकी इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट एफएस कब करते हैं? फॉर्मेट एफएस हम लोग तब करते हैं जब हमारा कोई नया मोबाइल है जो हम लोगों का फॉर्मेट नहीं हो रहा है, तो आपको फॉर्मेट एफएस करना है। उससे पहले आपको क्या लेना है, क्या देना है, दो चीजें? उससे पहले हम लोगों को ब्रांड लेना है और मॉडल। आपको अगर आपका फॉर्मेट ऑफ एफएस सिंपल तरीके से नहीं हो रहा है तो आप प्रॉपर ब्रांड लेंगे और मॉडल नंबर लेंगे, तब आपका फॉर्मेट ऑफ एफएस हो जाएगा। ओप्पो वीवो क्वालकॉम जो भी फोन होगा आप ब्रांड वाइज लेकर के अपना फॉर्मेट ऑफ एफएस कर सकते हैं। फिर बताइए, और उसके बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग एमआई के फोनों को हम लोग एमआई अकाउंट को हटा सकते हैं, रिसेट एमआई अकाउंट, और अगर उससे काम नहीं बनती है ना तो फिर हम लोग डिसेबल एमआई अकाउंट में क्लिक करके एमआई अकाउंट को डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो? उसके बाद भी नहीं आता तो हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? फुल प्रेस करने से हमारा एमआई अकाउंट और एफआरपी भी दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? और इसमें अगर आपका नहीं हुआ तो आप, अगर आपका डिसेबल नहीं होता है एक बार वन एमआई अकाउंट, तो क्या लेना है? ब्रांड लेना है। क्या लेना है? ब्रांड। और उससे फिर उसके बाद क्या लेना है? मॉडल नंबर लेना है। तब आपको वन बार क्या करना है? रिसेट एमआई अकाउंट, फिर नहीं तो डिसेबल एमआई अकाउंट। मैं आपको बता दूं ये तीन दिन की क्लास थी जो कि मनोज हमारे स्टूडेंट है और इन्होंने पूरी कॉलकम और एमआई के बारे में डिटेलिंग की हुई है कि हमें कैसे रीड करना है, राइट करना है, फ्लैश करना है। ये एक छोटा सा रिव्यू था जो कि तीन दिन की क्लास थी दोस्तों, क्योंकि ये अमूमन क्या होता है, तीन दिन की क्लास में हम अभी आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाए, क्योंकि हम आपको रिव्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रिव्यू दे रहे हैं। प्रैक्टिकल तो आपको मिल गया ना, ऐसा तो नहीं है केवल हम आपको थ्योरी बताया हो, या तो ऐसा नहीं जो कि अभी हमने दिखाया केवल ऐसा ही करके बताया हो। हमने एक एक चीज, पहले तो हमने फ्लैश किया, ऐसा तो नहीं था कि केवल हमने जो अभी दिखाया आपको वही था, हमने पहले फ्लैश किया तो सेट हमने फ्लैश करके दिखाया। अगर FRP हटाई कॉलकम की तो FRP भी आपको लगा के हटा के दिखाया, और अगर हमने MI अकाउंट भी था तो MI अकाउंट भी हमने हटा के दिखाया। ऐसा तो नहीं केवल हमने जो बताया वही था, हमने प्रैक्टिकल वे पूरा दिखाया ना। तो ये तीन दिन की बस क्लास थी, तीन दिन में आपको कैसा फील हो रहा है? सर, तीन दिन में अभी हमने तीन टाइप के CPUs के बारे में पढ़ा है, तो उसमें जो मैक्सिमम फॉल्ट्स हमारे पास आते हैं उसको तो हम क्लियर कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस अभी तीन दिन में हमने। क्या क्या क्लियर कर लेंगे? सर, MTK में अगर हमें फ्लैशिंग का ऑप्शन आया, FRP का ऑप्शन आया, और तो वो हम क्लियर इजिली कर लेंगे। और दूसरा? दूसरा सर, कॉलकम में भी अगर हमारे पास FRP का ऑप्शन आ रहा है या फ्लैश करने का हैंग ऑन लोगों, क्योंकि आपके शॉप में केवल दो ही चीज के लिए आएगा। क्या क्या के लिए आएगा? हमारे शॉप में सर दो ही चीज के लिए फोन आएगा, एक तो MI अकाउंट के लिए आ सकता है और दूसरा FRP के लिए आएगा सर, जो भी होगा फोन। और तीसरा एक चीज और आ सकता है? जी सर, वो चीज करना नहीं है सर। अच्छा ठीक है, नहीं फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मेन तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लैशिंग और FRP। समझ में आ रहा है? आपको तीन दिन में कैसा लगा आप बताइए, तीन दिन की क्लास आपने अटेंड किया तो आपको कैसा लगा? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे CPU के बारे में कुछ पता नहीं था, कौन CPU क्या होती है, अरे किधर से आती है, मुझे ये भी नहीं पता था। यहाँ पर तीन दिन में तीन टाइप के CPU के बारे में पता चला, MediaTek, Qualcomm और MI के जो फोनों में नए नए CPU जो लगे आते हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप भी सीख सकते हो यार।
जो कैबलेक है उस पीछे है ना मेरे भाई, वो भी यहाँ पर आए और सीपी के बारे में बेहतरीन नॉलेज ले। अभी तो 3 दिन हुआ यार, आगे देखो क्या करते हैं, अभी और कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये केवल 3 दिन का आउटपुट था जो कि मनोज ने अपने अलग अंदाज में बयां किया कि हम क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जो MI के सेट है तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे, कौन से मोड पे? सर, MI मोड आ गया तो हम लोग MI MBL, वो तो फाइल आएगी, उसको कनेक्ट कौन किस मोड पे होगा? EDL मोड पे होगा। उसका क्या होगा? टेस्ट पॉइंट होता है, उसका टेस्ट पॉइंट होगा। मतलब आपको जब कनेक्ट करना है फोन को तो आपको पहले टेस्ट पॉइंट में ट्वीजर को रखना है, फिर क्या लगाना है? फिर USB केबल लगाना है, मतलब ट्वीजर से टच करना है और फिर USB केबल इंसर्ट करना है। तब आपका क्या बनाएगा, कौन सा पोर्ट बनाएगा? EDL बनाएगा कि नहीं बनाएगा? EDL पोर्ट में कौन से ड्राइवर चले होते हैं पहले बताओ दीप्ति? QD लोडर 9000। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइलों को पहचानना। हम थोड़ी सी मीडिया टेक के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास मीडिया टेक की भी हुई थी। तो मीडिया टेक में कौन सी फाइल आती है, कौन सा टूल यूज होता है, ड्राइवर कौन से चलते हैं? दो ड्राइवर चलाने होते हैं आपको वन टाइम, दो ड्राइवर चलाने होते हैं MT 65XX, MT 67। क्लियर है? फ्लैशिंग और FRP हटा लेंगे क्योंकि केवल अभी 3 दिन की क्लास हुई दोस्तों। तो ये 3 दिन का छोटा सा एक रिव्यू था क्योंकि जो भी हमने पढ़ाया आपको एक अलग अंदाज में अगर आप बयां कर सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं, मतलब ये नहीं कि हम आपको आउटपुट दे रहे हैं, आउटपुट आपका लाइव होना चाहिए कि आपको एक एक्चुअल तरीके में FRP हटाना और फ्लैशिंग करना आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन जिनको आ रहा है हाथ उठा सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा समझ में वो भी हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो सभी को आ रहा है समझ में? पढ़ाने का तरीका कैसा है? समझ में आ रहा है पूरी अच्छी तरीके से? इंडिया का नंबर 1 सीट कौन है? इंडिया का नंबर 1 सीट कौन है? ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।